वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन हितेश पटनी की कल दोपहर तबियत बिगड़ने के बाद हार्ट अटैक के कारण हुई मौत के चलते आज उनके निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकालने के बाद उन्हें पंच महाभूत में विलीन किया गया। उसी के साथ आज अंतिम दिन पर बने वैसे बाल मेले को रद्द किया गया था। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन हितेश पटनी की कल दोपहर बाल मेला में उपस्थित रहने के दौरान तबियत बिगड़ते हुए वे अपनी बहन के घर आराम करने गए थे। ऐसे में और भी तबियत बिगड़ने के बाद उनके द्वारा पत्नी और परिवार को सीधे हॉस्पिटल में आने के लिए समाचार दिए गए। ऐसे में हॉस्पिटल में भर्ती वैसे हितेश पटनी की अचानक तबियत बिगड़ते हुए और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत होने के बीच परिवार तथा राजकीय माहौल में एक हड़कंप छाते हुए गहरा शोक का माहौल छाया था, जहां आज जल्द सुबह हितेश पटनी के निवास स्थान चौखंड स्थित मोहनलाल हार्डवेट की गली में आए हुए निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकालने के बाद गाजरावाड़ी श्मशान ग्रह पर आज नश्वर देह को पंच महाभूत में विलीन किया गया। जो अंतिम यात्रा में परिवारजन, भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राजकीय पक्ष के आगेवान, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के पदाधिकारी, सदस्य, पटनी समाज के लोग उपस्थित रहे थे। तो वही नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के चेयरमैन हितेश पटनी की इस प्रकार से आकस्मिक हुई वैसी मृत्यु के बाद आज अंतिम दिन पर बने वैसे सयाजी बाग के सयाजी कार्निवल यानी कि 50वें बाल मेले को रद्द किया गया था। हम आए थे अने हमें नड़ियाद थी आयशा एजुकेशन तरफ थी वडोदरा में बाल मेलो जो आया था, पर काले जे चेयरमैन सी जे थयो हतो तेना कारण हमें चेयरमैन साहेब नु दुखन अवसान थयो हतो तेना कारण हमें अहीं थी परत रहिया छे। બેન શું નામ છે? આપ ક્યાંથી આવ્યા હતા અને શેના માટે આવ્યા હતા? મારું નામ ચૈતાલી છે અને અમે બરોડાથી આવ્યા હતા. અમે છોકરાઓને લઈને બાળ મેળો જોવા આવ્યા હતા, પણ અહીંના ચેરમેનશીનું દુઃખદ અવસાન થયું છે એના માટે અહીંયા ઘડી બધું મેળો બંધ રહ્યો છે, તો હવે અમે પાછા ઘરે જઈએ છીએ. જી આજે ક્યાં આવ્યા તો વિદ્યાર્થીઓને? જી અમે, મારું નામ સોહેબ વરા છે અને અમે નડિયાદ પ્રાથમિક શાળા ચલાવી રહ્યા છીએ. અમે મદ્રાસો ચલાવીએ સાથે, તો ત્યાંથી અમે મદ્રસા આયશા સિદ્દીકા નામથી અને ટ્રસ્ટ છે અમારું એક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ છે. તો અમે બાળકોને અત્યારે જે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા તરફથી જે 50મો જે બાળ મેળો હતો ત્યાં અમે બાળકોને 140 જેટલા છોકરાઓ અને વિદ્યાર્થીઓને લઈને આવ્યા હતા. પણ અહીંયા જે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના જે ચેરમેન જે ગઈકાલે જે દુઃખદ અવસાન જે પામેલ છે, તો એના લીધે અમે અત્યારે બાળકોને ગાર્ડનમાં ફરીને તરફ પરત પાછા ફરી જઈએ છીએ. અમે